ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता, मेरे साथ है शिबानी और अभिषेक नहीं है। लेकिन शिबानी, साल 2016 खत्म होने को है और ये साल अगर हम देखें तो कई सारे स्मार्टफोन, कैमरास और लैपटॉप्स लॉन्च हुए बाजार में। एब्सोल्युटली, तो आज का ये एपिसोड काफी खास है क्योंकि आज के इस टेक गुरु के एपिसोड में हम आपको वो गैजेट्स दिखाएंगे जो बेस्ट गैजेट्स थे 2016 के और साथ ही वैल्यू फॉर मनी दोनों थे। तो देखते हैं सबसे पहले 2016 के बेस्ट स्मार्टफोन्स कौन से थे। ये है आईफोन 7 प्लस, एप्पल का इस साल का फ्लैगशिप डिवाइस। डिजाइन में सबसे बड़ा एडिशन है इसकी वाटर रेजिस्टेंट डिजाइन, जो अब तक किसी भी आईफोन में नहीं दी गई थी। आईफोन 7 प्लस में फुल HD रेजोल्यूशन वाली 5.5 इंच की स्क्रीन दी गई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आईफोन 7 प्लस में एप्पल का लेटेस्ट A10 फ्यूजन चिपसेट दिया गया है, क्वाड कोर प्रोसेसर और 3GB रैम के साथ। फोटोग्राफी के लिए इसमें ड्यूल लेंस वाला 12 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। 6 एलिमेंट लेंस वाले इस कैमरा में जो दो लेंस दिए गए हैं, उसमें एक वाइड एंगल है और दूसरा टेलीफोटो, जिसकी मदद से आप 2x ऑप्टिकल जूम के साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 7 मेगापिक्सल फेस टाइम कैमरा दिया गया है। ये है गूगल पिक्सल XL। एंड्रॉइड OS 7.1 नॉगेट पर चलने वाला गूगल पिक्सल XL काम में काफी तेज है। गूगल पिक्सल XL 4GB रैम के साथ आता है और इसे गूगल ने 32GB से 128GB के वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। ये फोन क्वालकॉम MSM 8996 स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर पर चलता है। इसका प्राइमरी कैमरा 12.3 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। गूगल पिक्सल का फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे की तरफ है और ये एक माउस पैड की तरह भी काम करता है। इस फोन में 3450 mAh की बैटरी दी गई है और साथ ही फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन भी हैं। ये है इस साल के सबसे इनोवेटिव स्मार्टफोन्स में से एक LG G5। LG G5 के साथ तीन तरह के मॉड्यूल्स आते हैं, एक बैटरी वाला, दूसरा कैम प्लस जिसमें आपको कैमरा कंट्रोल्स और एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है, और तीसरा हाईफाई प्लस जो तगड़े स्पीकर्स के साथ आता है। LG G5 एंड्रॉइड 6.0.1 मार्शमेलो और LG के अपने ऑप्टिमस UX 5.1 यूजर इंटरफेस के साथ आता है। तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2.15 GHz का स्नैपड्रैगन 820 ऑक्टा कोर प्रोसेसर 4GB रैम के साथ दिया गया है। बढ़िया ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 530 GPU है। LG G5 की एक और खासियत है इसमें दिया गया 16 मेगापिक्सल का कैमरा, जो डुअल लेंस सेटअप के साथ आता है, एक 16 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर के साथ और दूसरा 8 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ। इसके अलावा इसके कैमरे में लेजर ऑटो फोकस, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेल्फी के लिए LG G5 में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। LG G5 में 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 200GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। LG G5 में 2800 mAh की बैटरी दी गई है। पेश है हुआवी P9। हुआवी P9 में 5.2 इंच की IPS Neo LCD टच स्क्रीन दी गई है, जो 423 पिक्सल पर इंच के रेजोल्यूशन के साथ आती है। Huawei P9 Android 6.0 Marshmallow पर चलता है, जिस पर Huawei का खुद का डिजाइन किया हुआ इमोशन 4.1 यूजर इंटरफेस दिया गया है। तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए 1.8 GHz का हाई सिलिकन किरी 955 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया है, 3GB रैम और माली T880 MP4 GPU के साथ। Huawei P9 की सबसे बड़ी ताकत इसका डुअल 12 मेगापिक्सल कैमरा है, जिसमें मशहूर ऑप्टिक्स कंपनी लीका के लेंस दिए गए हैं। 27mm वाइड एंगल वाला इसका लेंस f2.2 अपर्चर वैल्यू के साथ आता है, जिससे कम रोशनी में भी अच्छी फोटो आने का इंतजाम हो जाता है। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। स्टोरेज के लिहाज से Huawei P9 में 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 256GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है।
पेश है मी 5.1 इंच के इस ड्यूअल सिम स्मार्टफोन में 428 पिक्सल पर इंच वाली फुल एचडी स्क्रीन दी गई है। मी 5 एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 6.0 मार्शमेलो पर चलता है। अच्छी प्रोसेसिंग के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर है 3GB रैम के साथ। फोटोग्राफी के लिए मी 5 में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है जो फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन और डुअल LED डुअल टोन फ्लैश के साथ आता है। इसके कैमरे में फुल एचडी के साथ साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। सेल्फी के लिए मी 5 में 4 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। पेश है वन प्लस 3 का असली वारिस, ये है वन प्लस 3T। इसमें 3400 mAh की बैटरी डैश चार्जिंग के साथ आती है जिससे ये तेजी से चार्ज होती है। तेज तरार प्रोसेसिंग के लिए इसमें 2.35 GHz का स्नैपड्रैगन 821 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 6GB रैम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वन प्लस 3T में एंड्रॉइड 6.0 मार्शमेलो और वन प्लस के अपने ऑक्सीजन UI का कॉम्बिनेशन दिया गया है। 128GB की इनबिल्ट मेमोरी है जिसे एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। फोटोग्राफी के लिए वन प्लस 3T में 16 मेगापिक्सल प्राइमरी और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। 5.5 इंच की इसकी फुल HD स्क्रीन भी काफी गजब की है। पेश है सोनी की एक्सपीरिया सीरीज का अब तक का सबसे इनोवेटिव स्मार्टफोन, ये है सोनी एक्सपीरिया XZ। 5.2 इंच की फुल HD स्क्रीन वाला ये स्मार्टफोन दिखने में खूबसूरत है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक्सपीरिया XZ में 2.15 GHz का स्नैपड्रैगन 820 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 3GB रैम के साथ। सोनी के स्मार्टफोन्स हमेशा से अपने बेहतरीन कैमरा के लिए जाने जाते हैं। एक्सपीरिया XZ में फोटोग्राफी के लिए 23 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है फेस डिटेक्शन और लेजर ऑटो फोकस जैसे फीचर्स के साथ। एक्सपीरिया XZ के कैमरे से 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। सेल्फी लेने के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिससे फुल HD रेजोल्यूशन में वीडियो कॉलिंग भी की जा सकती है। स्टोरेज के लिए एक्सपीरिया XZ में 64GB की इंटरनल मेमोरी भी दी गई है जिसे 256GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। पेश है Redmi Note 3 का 2016 एडिशन। 5.5 इंच के इस डुअल सिम स्मार्टफोन में 403 PPI वाली फुल HD स्क्रीन दी गई है। Redmi Note 3 Android 5.1.1 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। Redmi Note 3 में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। अच्छी प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.8 GHz का Qualcomm Snapdragon 650 हेक्साकोर प्रोसेसर दिया गया है 3GB रैम के साथ। तगड़े ग्राफिक्स को अच्छे से चलाने के लिए Adreno 510 GPU का साथ भी इस फोन को मिला है। फोटोग्राफी के लिए Redmi Note 3 में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस और डुअल LED फ्लैश के साथ आता है। इसके कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। सेल्फी के लिए Redmi Note 3 में 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। स्टोरेज के लिहाज से Redmi Note 3 दो वर्जन में आता है, 16GB और 32GB। ओप्पो के स्मार्टफोन्स का फोकस हमेशा से ही अच्छी डिजाइन के साथ बेहतरीन कैमरा फोन बनाने का रहा है और इसकी ही एक ताजा मिसाल है ओप्पो F1S। ओप्पो F1S में 5.5 इंच की IPS LCD टच स्क्रीन दी गई है जो फुल HD नहीं है। 267 PPI की पिक्सल डेंसिटी वाली इसकी स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 की परत चढ़ाई गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ओप्पो F1S एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप वर्जन पर चलता है जिसको ताकत देता है इसमें दिया गया 1.5 GHz का MediaTek MT6750 octa-core प्रोसेसर 3GB रैम के कॉम्बिनेशन के साथ। फोटोग्राफी के लिए ओप्पो F1S में 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ जिससे 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। पर इस फोन की सबसे बड़ी खूबी इसमें दिया गया सेल्फी कैमरा है जो 16 मेगापिक्सल का है और इससे भी फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। स्टोरेज के लिए ओप्पो F1S में 32GB की इंटरनल स्टोरेज मेमोरी दी गई है जिसमें से करीब 25GB की जगह आपको इस्तेमाल करने को मिलती है। Xiaomi का ये है नया स्मार्टफोन
Redmi 3S Prime। इसमें 5 इंच की IPS LCD HD टच स्क्रीन दी गई है जो 294 पिक्सल पर इंच की पिक्सल डेंसिटी के साथ आती है। Redmi 3S Prime Android 6.0 Marshmallow ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.4 GHz का Snapdragon 430 Octa-Core प्रोसेसर दिया गया है 3GB RAM के साथ। फोटोग्राफी के लिए Redmi 3S Prime में 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ, जिसमें 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। सेल्फी के लिए भी 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। Redmi 3S Prime का सबसे बड़ा फीचर इसकी बैटरी है जो है पूरे 4100 मिली एम्पीयर आवर की। तो यहाँ पे स्मार्टफोन से आप फोटोग्राफी करना चाहें, आप गेम्स खेलना चाहें या कोई आपको सस्ता सुंदर टिकाऊ फोन चाहिए, हमने आपको तमाम ऑप्शंस और लॉन्चेस तो बता दिए हैं, लेकिन रुकते हैं ब्रेक के लिए क्योंकि टेक गुरु में आगे हम आपको बताएंगे 2016 में लॉन्च हुए कैमरास के बारे में। वेलकम बैक टेक गुरु के बेस्ट ऑफ 2016 एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको वो स्मार्टफोन्स दिखाए जो 2016 में एकदम सुपरहिट रहे। अब वक्त है कैमरास का। 2016 एक ऐसा साल था जिसमें बहुत सारे एंट्री लेवल कैमरास भी आए और एडवांस फोटोग्राफी के लिए भी कई सारे DSLR कैमरास भी आए। तो देखते हैं 2016 के बेस्ट कैमरास कौन से थे। कैनन का यह कैमरा अपने पुराने वर्जन 650D का ही अपग्रेड है। कैनन 700D खरीदने पर आपको इसके साथ मिलते हैं दो किट लेंस 1855mm और 55-250mm, 8GB का एक मेमोरी कार्ड और साथ में एक कैरी बैग। और इस कैमरे में दी गई है 3 इंच की स्क्रीन जो 360 डिग्री रोटेटेबल है। अपने पुराने वर्जन 650D की तरह ही 700D में 18.2 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर दिया गया है डिजिक 5 प्रोसेसर के साथ। 9 पॉइंट का ऑटो फोकस है और 5 फ्रेम पर सेकंड की कंटिन्यूस शूटिंग मोड भी दिया गया है इसमें। इसके साथ ही कैनन 700D के लेंस आते हैं इमेज स्टेबलाइजर के साथ। पेश है सोनी का RX100 Mark IV, दुनिया भर के पॉइंट एंड शूट कैमरों का किलर। सोनी ने इस कैमरे को इसी नजरिए से बनाया है। अगर आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में DSLR जैसी इमेज क्वालिटी चाहिए तो सोनी RX100 का जवाब नहीं। इस कैमरे में 20.1 मेगापिक्सल का 1.0 टाइप XMR CMOS सेंसर दिया गया है। साथ ही इसमें ज़ाइस का वैरियो सोना T24mm के लेंस की मदद से आप 70mm की वाइड एंगल शूटिंग कर सकते हैं। GoPro, नाम तो आपने सुना ही होगा। GoPro के नए नवेले Hero 5 Black में 2 इंच की टच स्क्रीन दी गई है जो पानी में स्क्रीन के गीले होने के बाद भी आपकी उंगलियों को पहचानती है। इसकी स्क्रीन पर ही आप प्रीव्यू सेटिंग्स में बदलाव करने के साथ साथ छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। GoPro Hero 5 Black को आप पानी में 10 मीटर की गहराई तक बगैर किसी केसिंग के ले जा सकते हैं। आपकी मुट्ठी में समा जाने वाला ये पोर्टेबल मगर रफ एंड टफ कैमरा 4K वीडियो शूट कर सकता है। बढ़िया ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी इसमें एडवांस्ड विंड नॉइज रिडक्शन दिया गया है, जिससे आपकी आवाज अच्छे से रिकॉर्ड होती है वो भी बगैर माइक पहने। GoPro Hero 5 Black एडिशन की कीमत है 38,000 रुपए और ये अब तक लॉन्च हुआ सबसे पैसा वसूल GoPro कैमरा है। तो फोटोग्राफी पैशन के तौर पे करते हो या प्रोफेशनल के तौर पे, हमने आपको बताया 2016 के वो तमाम लॉन्चेस इस कैटेगरी में, लेकिन आगे बढ़ते हैं और लैपटॉप्स की बात करते हैं। 2016 एक ऐसा साल रहा है जहां पर चाहे कॉर्पोरेट्स की बात हो, स्टूडेंट्स की बात हो या मेरे और शिबानी के जैसे प्रोफेशनल्स की बात हो, लैपटॉप्स की कैटेगरी में कई सारे लॉन्चेस हुए हैं। तो कौन से रहे हैं हिट 2016 में, देखते हैं। अगर आप चाहते हैं एक ऐसा कंप्यूटर जो लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटर दोनों का काम कर दे, तो आपके लिए पेश है लेनोवो योगा 900।
13.3 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले वाला ये कन्वर्टेबल गजब का स्टाइलिश लगता है। Lenovo Yoga 900 चलता है विंडोज 10 होम ऑपरेटिंग सिस्टम पर। भारी भरकम प्रोसेसिंग को अंजाम देने के लिए इसमें 6th जनरेशन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर दिया गया है। 8GB रैम दी गई है और अच्छे साउंड एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी DS 1.0 होम थिएटर टेक्नोलॉजी पर चलने वाले JBL के स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। स्टोरेज के लिए Lenovo Yoga 900 में 512GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव दी गई है। ये है आईबॉल कॉम्बो एक्सेलेंस। आईबॉल ने कंप्यूटर खास तौर से नेटिजंस और फर्स्ट टाइम लैपटॉप यूजर्स के लिए डिजाइन किया है। 10,000 रुपए के दाम से शुरू होने वाला लैपटॉप क्वाड कोर इंटेल एटम प्रोसेसर पर चलता है। 11.6 इंच की इसकी स्क्रीन काफी अच्छी है। मल्टीटास्किंग के लिए इसमें 2GB रैम दी गई है। आईबॉल कॉम्बुक चलता है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसमें 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे 64GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। पेश है डेल इंस्पिरॉन 7000 सीरीज का लेटेस्ट लैपटॉप। इस कंप्यूटर को डेल ने उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया है जो अपने लैपटॉप से बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। तेज तर्रार परफॉर्मेंस के लिए इंस्पिरॉन 7000 में 2.7 GHz का इंटेल कोर i5 5th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है 8GB रैम के साथ। ये लैपटॉप चलता है विंडोज 10 होम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। स्टोरेज के लिए इसमें 1TB की हार्ड ड्राइव दी गई है। लैपटॉप्स की बात तो हमने कर ली, लेकिन 2016 गेम्स के लिहाज से भी काफी इंटरेस्टिंग साल था। कई ऐसे गेम्स लॉन्च हुए जो आप घर पे बैठ के भी खेल सकते थे और कई ऐसे गेम्स आपको घर से बाहर भी लेके गए। तो कौन से थे 2016 के बेस्ट गेम्स, देखते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु मेरे और शिवानी के साथ। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेम्स की। जी हाँ, 2016 एक ऐसा साल रहा है जहाँ पर चाहे बड़ों की बात हो, छोटों की बात हो या बूढ़ों की बात हो, गेमिंग कैटेगरी में कई सारे लॉन्चेस हुए हैं। तो कौन से रहे हैं इस साल के सबसे हिट और फेवरेट गेम्स, आइए आपको दिखाते हैं। I'm a man of fortune. And I must seek my fortune. Are you ready to seek your fortune? Hang on, Nathan! अगर आप एक गेमर हैं तो नेथन ड्रेक के नाम से तो वाकिफ ही होंगे। नेथन ड्रेक मशहूर प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव गेम सीरीज अनचार्टेड का हीरो है जो अपनी जाबाजी और ट्रेजर हंट स्किल्स के कारण हजारों गेमर्स का चहेता रहा है। और ये है नेथन ड्रेक का आखिरी एडवेंचर अनचार्टेड 4 अ थीव्स एंड। अनचार्टेड सीरीज का ये चौथा और आखिरी गेम है। ये एक्शन एडवेंचर थर्ड पर्सन शूटर गेम एक बार फिर से नेथन ड्रेक की कहानी को आगे बढ़ाता है। अनचार्टेड 4 की कहानी पिछले गेम के 3 साल बाद से शुरू होती है, जहां नेथन अपने बड़े भाई सैम के साथ एक बार फिर से निकल पड़ा है कैप्टन हेनरी एवरी के खोए खजाने को ढूंढने। कॉम के बनाए हुए इस मशहूर फाइटिंग गेम का रंग रूप तो नया नवेला है, पर अंदाज वही पुराना है। इसका साइड स्क्रोलिंग फाइटिंग वाला गेम प्ले अभी भी वही पुराना एक्सपीरियंस देता है जो आज से 20 साल पहले था। स्ट्रीट फाइटर 5 में भी आपको पिछले गेम की ही तरह 2 फाइटिंग कैरेक्टर्स चुनने होते हैं और उनको आपस में लड़वाना होता है, पर इस बार गेम प्ले में वी गॉज नाम की एक नई चीज जोड़ी गई है जो दरअसल एक तरह का पावर मीटर है जो आपके अटैक्स और डिफेंस के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। वी गॉज के फुल होने पर आपका गेमिंग कैरेक्टर वी स्किल्स, वी रिवर्सल्स और वी ट्रिगर्स जैसे स्पेशल मूव्स कर सकता है जो हर कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग होते हैं।
स्ट्रीट फाइटर 5 में टोटल 16 कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से 4 कैरेक्टर्स इस बार नए जोड़े गए हैं। ज्यादातर मोबाइल गेम जहां बैठकर खेले जाते हैं, लेकिन पोकेमोन गो इस मामले में बिल्कुल अलग है। ये गेम आपके फोन के स्क्रीन से निकलकर रियलिटी का एक्सपीरियंस आपको देता है। गेम में खिलाड़ी मोबाइल के जीपीएस और कैमरा के जरिए अपने आस पड़ोस में मौजूद पोकेमोन को पकड़ते हैं और उन्हें पोकी जिम सेंटर में लड़ाते हैं, यानी एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपकी सेहत का भी ख्याल। ये भी 2016 के बेस्ट गैजेट की लिस्ट। अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर इसे देख सकते हैं, साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं, साथ ही हमें इन IDs पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में इतना ही। अपनी गैजेट शॉपिंग लिस्ट तो आप बनाइए ही, साथ ही न्यू ईयर की तैयारी, उसकी प्लानिंग भी शुरू कर दीजिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, स्टे कनेक्टेड।